तो गाइस आज मैं घोस्ट हंट एनिमे सीरीज़ की एपिसोड 5 को हिंदी में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो चलिए अब ज़्यादा बातें ना करके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। डे 3, जैसे ही वो डॉल का सेट कैमरे के सामने गिरा, मई डर की मारे चिल्लाती है और तभी होशियो बोलता है कि ये तो मेलफंक्शन हो रहा है, और वो भाग के जाता है ऊपर। और मई भी उसके साथ जाती है और ऊपर जाकर देखते हैं कि वो डॉल बिल्कुल भी मूव नहीं करता, वो डॉल जैसे बैठा हुआ था वैसे ही बैठा हुआ है। ये देख के होशू बोलता है क्या मैंने हमने तो स्क्रीन में देखा वो डॉल मूव कर रहा था। तभी काजुआ वहाँ पर आकर बोलता है कि हाँ ये ऑब्वियसली बात है, नॉर्मली स्पिरिट्स इतने सारे टेक्नोलॉजी से अच्छी तरीके से काम और वाकिफ नहीं होते। फिर डे 4, माई आयमी से मिलने जाती है और माई गेस कर रही होती है कि आयमी अभी मिली उस डॉल के साथ ही होगी। और जैसे ही माई आयमी के दरवाजे को नॉक करने ही वाली होती है, वो सुनते कि अंदर से किसी की बातें करने का आवाज़ आ रहा है। वो कान देकर सुनने लगती है, जहाँ पर मिनी बोल रही होती है आयमी को कि तुम्हारा सीसी भी एक ईविल विच है, मैं उसे ही भगा दूंगा। तभी मैं आयमी बोलती है कि लेकिन वो एक लौती है जिसे मैं अपने साथ रखना चाहती हूँ। तभी मिनी बोलती चिंता मत करो, और सभी लोग बुरे हैं, मैं सभी को भगा दूंगा, उसके बदले में तुम्हें बस वैसा करना है जैसा मैं बोलूँगा। और तभी यह सुनकर माई दरवाज़ा खोल के अंदर आ जाती है और माई देखती है कि आयमी और वो डॉल होते हैं ऊपर और कोई नहीं होता। और तभी माई आयमी को पूछती है कि क्या हुआ, क्या तुम किसी बात कर रहे थे? तभी आयमी बोलता है हाँ मैं मिनी से बात कर रही थी और वहाँ पर कुछ और है दोस्त लोग। और तभी माई पीछे घूमती है, जहाँ पर वो देखती है कि दरवाज़ा खुला हुआ रहता है, ऊपर कोई तो नहीं होता लेकिन दरवाज़ा खुला हुआ रहता है। हालांकि माई जैसे ही दरवाजे से अंदर आई, वो दरवाज़ा को नॉक जरूर की थी लेकिन अभी दरवाज़ा एकदम ओपन है। और तभी माई बोलता अच्छा ठीक है आयमी, क्या तुम मुझे ये बता सकते हो कि वो जो नया दोस्त है तुम्हारा, वो क्या मिनी का भी दोस्त है? तभी आयमी बोलता मिनी का ही तो वो दोस्त है, मिनी ने तो वो यहाँ पर बुलाया उन सभी लोगों को। उसके बाद सीन जाता है आयको के पास, जहाँ पर आयको बोलते हैं कि मैंने आसपास में थोड़ा जांच पड़ताल किया और यहाँ पर आसपास जितने भी लोग रहते वो इस घर को हॉन्टेड हाउस बोलते हैं, या तो इस मीनी की वजह से या इस घर में कुछ है। तभी होशियो बोलते हैं कि ऐसा हो सकता है कि उस मीनी के अंदर कोई, मतलब उस डॉल के अंदर कोई आत्मा घुस गया है और वो ही ये सब कर रहा है। तभी ये सुन काजुया बोलता है तो फिर इसका एक ट्राई तो दे ही सकते हैं, अब तुम्हारा बारी है। तभी होशियो बोलते हैं हाँ फाइनली मेरा बारी आ गया। तो होशियो उस डॉल के सामने प्रेयर करने लगते हैं और आयको जाकर आयमी के साथ होती है, जहाँ पर आयमी सो रही होती है। और माई और काजुया ले ये सब सीसीटीवी कैमरे से देख रहे होते हैं। और तभी किसी का चिल्लाने की आवाज़ आता है, जहाँ पर सभी लोग भागते हुए जाते हैं और देखते हैं कि उसकी सीसी आयमी की सीसी गिरी हुई रहती है। और वो बोलते हैं मेरे पैर को अभी किसी ने बहुत जोर से खींचा। तभी होशियार बोलते तुम्हारा पैर टूट गया है, मतलब एंकल का बोन साइड से टूट गया। तभी माई देखती है कि उसके पैर में किसी बच्चे की हाथ का फिंगरप्रिंट्स। तभी काजुया आयमी के पास जाती है और माई भी होती है उसके साथ। तभी काजुआ बोलते हैं आयमी, तभी आयमी बोलते मेरा डॉल वापस करो, मुझे मेरा मीनी वापस करो पहले। तभी काजुआ बोलते चुप करो, पहले मेरे सवाल का जवाब दो, ये जो तुम्हारा डॉल मिनी है ये तुमसे कब से बातें करने लगा? और क्या बोलता है, क्या मैं इसके बारे में थोड़ा बहुत कुछ जान सकता हूँ तुमसे? तभी आयमी बोलते लेकिन मुझे पहले मेरा मीनी वापस दो। तभी काजुआ बोलते चुप करो, तुम्हें पता है ना तुम्हें सिस के साथ जो हुआ उसकी वजह से जिम्मेदार तुम हो सकते हो। और तभी आयमी रोने लगती है, माई को पकड़े माई बोलते ऐसे कैसे बात करो तुम्हें बच्चे के साथ? तभी काजुया बोलता है कि तो मैं कैसे बात करूं? तभी आयमी बोलते मुझे माफ कर दो, मिनी ने मुझे बोला था अगर किसी के साथ भी फ्रेंडली बात करोगे तो फिर नुकसान जरूर पहुंचेगा, वो मुझे भी नहीं छोड़ेगी। तो फिर कहानी बैक स्टोरी में जाता है, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि आयमी के पास पहले से ही वो वाला डॉल रहता है, इस घर से आने से कई टाइम पहले से, लेकिन वो डॉल नॉर्मल डॉल रहता है। जब से इस घर में आई है वो डॉल बातें करने लगती है और डॉल आयमी को बोलती है कि उसकी जो डैड है वो उसकी मॉम की सर्वेंट है और उसकी मॉम एक ईविल विच है और उसकी सीसी भी, लेकिन उसकी सीसी उतना कुछ डेंजरस नहीं है, लेकिन उसकी मॉम के साथ वो बात नहीं कर सकती, वो किसी के साथ भी फ्रेंडली बात नहीं कर सकती, और इसके बदले में वो मिनी उसे प्रोटेक्ट करेगी। लेकिन अगर इस प्रॉमिस को आयमी तोड़ेगी तो फिर वो पूरा घर तहस नहस कर देती है, चीज़ों को इधर उधर फेंक देती है। फिर ये सब सुनने के बाद कैसे और मिनी को एक सीट पर बैठाता है और बोलता है कि मुझे अब ये नहीं लगता कि इस डॉल की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। तभी होशो बोलता मतलब क्या है तुम्हारा, तुमने तभी बोला इस डॉल के अंदर कोई स्पिरिट हो सकता है। तभी काजुआ बोलता है अब मुझे नहीं लगता कि इस डॉल के अंदर कोई स्पिरिट है, मुझे लगता है इस घर में ही कुछ है और मिनी की कुछ घोस्ट लोग भी है, दोस्त लोग जो कि मिनी की सर्वेंट है। और एक चीज़ अब मुझे लगता है आयमी काफ़ी बड़ी डेंजर में है। और तभी बाहर से ही लड़की चिल्लाती है, जहाँ पर सीसी और उसकी स्टेप मदर भी होती है, जहाँ पर माई जाकर देखती है कि दीवार पर लिखा होता है बैड गर्ल शुड बी पनिश। और तभी माई सोचती है हाँ काजुआ ने यही बोला था। तभी काजुआ वो पढ़ के बोलता है कि माई कुछ भी हो जाए आयमी की साइड मत छोड़ना, उसके ऊपर अपनी नज़र हमेशा बनाए रखना। मिनी को लगता है कि आयमी ने उसे धोखा दिया, इस वजह से मिनी आयमी को नहीं छोड़ेगी। फिर सीन जाता है डे 5, काजुआ ने आयको को बोला हुआ रहता है कि वो दरवाजे में जो लिखा है वो तुम साफ करो, और होशियो दूसरी तरफ उस डॉल को चलाता है। एक
प्रेयर करके ऑब्वियसली। और माय मन में सोचती है कि काजू ने बोला था वो जो दीवार में लिखा है वो आयमी को ना दिखाए, क्या हो सकता है वो सच में अंदर से काइंड है? नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। तभी सीसी बोलते क्या बात है, तभी मैं बोलती नहीं नहीं मैं बस इनसाइड जोक कर रही थी। तभी आयमी वहाँ आ जाती है, आयमी तो सीसी आपका पैर कैसा है? तभी सीसी बोलती काफ़ी बढ़िया है, जब से तुम मुझसे नॉर्मली बात करने लगे तब से मेरा पैर और भी अच्छा हो गया। तभी ये सुन के आयमी बोलते ठीक है मैं आपके लिए फिर कुछ फ्लावर लेके आता हूँ बगीचे से। और माई को भी बोलती आप भी मेरे साथ चलिए। और माई और आयमी दोनों जाकर फ्लावर ढूंढने लगते, तभी आयमी का हाथ कोई पकड़ लेता है और आयमी अपना हाथ बाहर नहीं खींच पाती। और तभी माई जबरदस्ती आयमी का हाथ बाहर खींच लेती है और वो देखती है कि वहाँ पर कुछ नहीं होता, जिसकी वजह से आयमी का हाथ वहाँ फंस जाए। तभी आयमी भागते भागते चलने लगती है और तभी उससे बोलते आयमी को रोको माई, वो जहाँ पर जा रही है वहाँ पर एक पौंड है, मतलब एक तालाब है। और फिर माई वहाँ जाती है। अब दूसरी तरफ होशो जो चला रहा है डॉल को, वो देखता है कि सब कुछ जल चुका है लेकिन डॉल नहीं जलता, थोड़ा सा भी नहीं। ये देख के होशो थोड़ा शॉक होता है। और दूसरी तरफ आयमी डर के मारे चिल्लाती है प्लीज मुझे माफ कर दो मैंने, प्लीज मुझे माफ कर दो मैंने, मेरे ऊपर गुस्सा मत हो। और आयमी तभी उस तालाब के ऊपर गिरने ही वाली होती है। तभी आयमी तालाब में गिर जाती है और उसके बचाने के चक्कर में माई भी तालाब में कूद जाती है और आयमी को कोई मानो पैर पकड़ कर खींच रही होती है। तभी माई जल्दी से जाकर आयमी को जैसे तैसे बचा लेती है। और तभी माई जैसे तालाब से बाहर आकर तालाब के अंदर देखती है और मन ही मन सोचती है क्या यही मिनी का रिवेंज है। और तभी वो देखती है कि तालाब में दूर वो डॉल तैर रहा होता है। और तभी कुछ ही सेकेंड बाद वो डॉल ऑटोमेटिकली गायब हो जाता है। तभी आयमी का सीधे आयमी को लेकर पेट में लिटा देती है, जहाँ पर आयमी काफ़ी डरी हुई रहती है, वो शायद बेहोश हो गई होती है या सो रही होती है। तो आयमी को सीसी बोलती है कि उसकी स्टेप मदर वैसे ही चली गई पहले, उसकी स्टेप मदर ने बोली थी कि इस घर में कुछ अजीब अजीब हो रहा है, मुझे इस घर में नहीं रहना, मुझे जिंदा रहना है, ये बोलकर वो चली गई। तो अब आयमी को सीसी बोल रही है कि मुझे भी लगता है हम दोनों को भी यहाँ से चले जाना चाहिए। तो ये काजू बोलता है लेकिन यहाँ से जाने के बाद क्या तुम लोग सेफ रहोगे, क्योंकि कुछ इवेल ऐसे भी है जो तुम्हारा पीछा करते हैं। तभी उसकी सीसी बोलती है तो फिर हम क्या करें, तुम्हें बताओ। तभी काजू बोलते चिंता मत करो, मैंने इस घर की ओनर की लिस्ट देखा है, तो आप लोगों से पहले जो यहाँ पर थे वो लोग 3 साल इस घर में थे और काम की वजह से घर छोड़ कर चले गए। वो लोग ये सब स्ट्रेंज चीज़ की वजह से घर नहीं छोड़ गए थे, उन लोगों का काम था और उन लोगों के साथ कुछ हुआ भी नहीं था। लेकिन जो उनसे पहले रहते थे उनका एक 9 साल की बच्ची मारा गया था और जो उनके पहले रहते थे उनका 3 बच्ची जो काफ़ी छोटी थी वो भी मारा गई थी, उनका भी डेथ हो गया था। 10, 8 और 7 साल का 2 लड़के 1 लड़की एक्सीडेंट या बीमारी की वजह से मर गया। लेकिन उससे पहले एक और थी जो ओनर उससे पहले का, उसका भी एक 10 साल का लड़की मारा गया लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला कि कैसे मारा गया, क्योंकि उसका कुछ हुआ ही नहीं। उससे पहले एक और लड़की यहाँ मारा गई बीमारी की वजह से। तभी ये सब सुन के उसके सीसी बोलती तो फिर तुम ये कहना चाहते हो जो लड़की 8 साल की उम्र की है उसके ऊपर खतरा है। तभी काजुया बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि आप इस घर में अगर छोड़ने ही वाले इस घर को तो प्लीज़ थोड़ा देर के लिए रुक जाए, मैं तो स्पेशलिस्ट को बुलाने वाला हूँ। और होशुओ बोलता है कि अरे तुम्हें दिख नहीं रहा इस डॉल के अंदर एक इविल स्पिरिट है, कोई बच्ची जो इस डॉल को बहुत ज़्यादा पसंद करती थी उसकी स्पिरिट इस डॉल के अंदर घुस गई है। तभी काजू बोलता मुझे ऐसा नहीं लगता, इस डॉल में कोई दिक्कत नहीं है लेकिन कोई इस डॉल को यूज़ कर रहा है। और तभी वहाँ जॉल और मासाको आ जाते हैं। तभी जैसे ही मासाको घर के अंदर घुसने वाली होती वो देखती है कि ये काफ़ी ख़तरनाक है, मैंने इससे पहले कि इतना ज़्यादा डराना हॉन्टेड हाउस पहले नहीं देखा। और माई जैसे जैसे मसाको कॉन्फर्ट करके मसाको को बेसमेंट पे ले जाती है जहाँ पर वो सब भी होते हैं। और तभी मसाको कस्यो को देख के कस्यो के पास ले जाते हैं। माई बोले यार तुम क्या सोच रहे हो मसाको। और तभी मसाको बोलती है कि कस्या यहाँ पर काफ़ी सारे चिल्ड्रंस की स्पीड है, वो लोग बोल रहे हैं चिल्ला रहे हैं और उनकी माँ के पास वापस जाना चाहते हैं। ये घर में सभी मतलब ये घर एक तरीके से सभी चिल्ड्रन स्पीड को कैप्चर कर रहा है। अब रात को जॉन आयमी के ऊपर एक प्रेयर यूज़ करता है, बोलता है कम से कम इससे थोड़ा तो कुछ आसान हो सकता है, हमें हेल्प हो सकता है। और तभी सीसी बोलती है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तभी होशु आकर बोलता है कि मैंने एक सेकंड के लिए अपना नज़र उस डॉल से क्या हटाया, वो डॉल गायब हो गया। तभी काजुया बोलते हो भाग गया, हाँ वैसे भाग कर छुप कर कब तक रहेगा, उसे हमारे सामने तो आना ही पड़ेगा। फिर आया को और उसकी सीसी आयमी के साथ थी। अब बाकी सब लोग सीसीटीवी कैमरे के सामने आ जाते जहाँ माई को कुछ आवाज़ सुनाई दे जाता है। और तभी काजो बोलता है लीक को कि स्पीकर ऑन करो, वो भी सुनना चाहता है। और वो सुनता है वो बच्चे लोगों की आवाज़ होता है अलग टाइप का क्रीपी। और तभी आय को वहाँ पर भागते भागते है आय को बोलते हैं कि ये देखो मैंने जैसे आयम के बेड के नीचे की साइड देखा वहाँ पर मुझे ये मिला और वहाँ पर वो डॉल होता है मिनी, वो आयम के साथ ही थी इतने लंबे समय तक। तभी काजो बोलता है आयम कैसे, आयम को कुछ नुकसान नुकसान तो नहीं पहुँचा। तभी आय को बोलते नहीं
और तभी तो माई मनी मन सोचती है कि जैसे ही आयको ने आयमी सैन को ढूंढ निकाला, मतलब मिनी को, वैसे ही ये सब कुछ आवाज़ बंद हो गया। तभी ये सब देख के हर्षो बोलता है कि मुझे लगता है जॉन का प्रेयर काम आया है, इसी वजह से ये सब कुछ हुआ है। और फिर डे 6 जॉन उस डॉल के ऊपर अपना प्रेयर करना स्टार्ट करता है, और पहली बार उस डॉल के ऊपर जैसे ही वो प्रेयर करना स्टार्ट करता है उस डॉल अपना आँख खोलता है। काफ़ी क्रीपी होता है, काफ़ी डरावना सीन होता है। माँ ये देख के डर जाती है और जॉन बिल्कुल नहीं रुकता, जॉन प्रेयर कंटिन्यू करता है। वहाँ पर बाकी लोग भी होते हैं, काजुया, हर्षो, माए, और जॉन प्रेयर ख़त्म करने के बाद जॉन बोलता है मुझे लगता है इस डॉल से स्पिरिट निकल गया है। तभी हर्षो बोलता है लेकिन स्पिरिट है इस डॉल से ज़रूर निकल गया, लेकिन है तो ज़रूर। तभी जॉन बोलता है हाँ लेकिन मुझे लगता है इस डॉल को हमें जला देना चाहिए, क्योंकि इस डॉल को फिर जैसे इसी तरीके की कोई काम के लिए यूज़ ना किया जाए। और फिर वो लोग उस डॉल को जलाए थे और वो डॉल चल जाता है आराम से, इस पर कोई प्रॉब्लम नहीं आता। फिर हर्षो बोलता है मुझे लगता है यहाँ पर कोई बच्चे की स्पिरिट घूम रहा है, लेकिन इतना सारे कैसे हो सकता है। तभी काजुया बोलता है कि अगर कोई बच्चे लोग चाहते हैं तो फिर ऐसे किसी बंदे को, मतलब वो लोग मानना चाहेंगे जैसे वो स्वीट बना के यहाँ रखना भी चाहेंगे, जैसे माई हो या आयको हो या उसके सीसी हो, मतलब जैसे उस मदर का अल्टरनेटिव काम करेगा। लेकिन यहाँ पर वैसे नहीं होना, पर वो लोग बच्चे को ही टारगेट कर रहे, लेकिन ऐसा क्यों, कुछ तो अलग है। तो अब तुम्हारी बारी है हर्षो, 70 साल पहले जो बच्ची मारी गई थी उसका डेट ऑफ बर्थ सब कुछ यहाँ पर लिखा है, उसके ऊपर काम करो। और फिर आयमी उससे सीसी जाने लगती है और काजिया बोले तुम लोग जाकर इस होटल में रुको, कुछ नहीं होगा, ये चाम लेके जाओ, और अगर इनकेस कुछ भी ज़रूरत हो तो जॉन और आय को भी तुम्हारे साथ चल रहा है, तो मुझे नहीं लगता तुम लोगों की मदद की ज़रूरत होगा, हम लोग इस घर में रहेंगे। और जैसे ही वो लोग जाते हैं, काजिया माया को कुछ पूछती है कि क्या उन लोगों ने नोटिस किया, मतलब वो घोस लोगों का क्या कुछ एक्शन लिया इस बारे में। तो माया को देख कर बोलता नहीं मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ हुआ, क्योंकि तुमने जो चार्म दिया था मुझे लगता है वो काम कर रहा है। तभी काजुया बोलता है तो फिर हम लोगों को अपना काम में लग जाना चाहिए। तो फिर हर्षो का प्रेयर करने का टाइम आ जाता है, हर्षो प्रेयर स्टार्ट कर देता है। जैसे ही वो अपना प्रेयर स्टार्ट करता है तभी रूम का टेम्परेचर ड्रॉप हो जाता है, काफ़ी कम होने लगता है, माइनस में चला जाता है, लेकिन कुछ अजीब साउंड नहीं सुनाई देता। तभी मैं बोलती हूँ वो देखो, और तभी हमें दिखाया जाता है बहुत सारे इविल चाइल्ड स्पिरिट्स, जो कि इविल नहीं लगते मुझे, वो सभी स्पीड चिल्ला रहे होते। हर्षो नहीं रुकता, हर्षो प्रेयर करना स्टार्ट कर देता है, कर ही रहा होता है। और तभी माँ ही देखती है कि ये जो बच्चे स्पीड से ये लोग तकलीफ में है हर्षो को प्रेयर की वजह से, लेकिन मैं ये नहीं देख सकती। और तभी माँ बोलती लेकिन वो क्या है। तभी हर्षो के पीछे हमें एक स्पीड को दिखाया जाता जो कोई बच्चे का स्पीड नहीं होता। वो बोलती कि तुम ही को मेरी बच्ची है, और उसका चेहरा हमें नहीं दिखाया जाता, वो काफ़ी बड़ी होती है, एक औरत बोल सकते हैं आप। और उसे काजुया भी दिख रहा होता है, काजुया की फर्स्ट टाइम काजुया थोड़ा मतलब घबराया हुआ दिख रहा होता है, और माँ भी उसे देख कर काफ़ी डर जाती है। इधर ये वाला एपिसोड ख़त्म हो जाता है यार, नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट वीक को। यार वीडियो बनाने में बहुत तकलीफ लगता है, तो चैनल में अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, और जितना हो सके उतना अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तिलन बाय, सी या।